जिनके शब्द जब कानों पे पड़ते हैं तो बेखबरी की दीवार गिर पड़ती है। गुजारिश है कि अगले चंद मिनट आप भी अपनी गतिरोधों को भूल खुद को इन्हें सौंप दें। वो गुप्त अंधेरे में मेरी चीखों की गूंज जिसे सुन आज भी ये रूह कांप उठती है। बड़ी हिम्मत से कदम उठा, अपने शब्दों को ज्यादा अक्षरों में बांध, उस लिफाफे में लपेट, मैं ये खत लिख रही हूँ। ये खत है जिनकी मैं लाडली थी उन मिस्टर एंड मिसेस बहरा के नाम। वो कान पर चुना लगाते रायचंद चाचा के नाम, अपनी मोटी टोन पर हाथ फेरते इंस्पेक्टर करमवीर के नाम, उस 16/2 के होनहार सुपुत्र सुशील के नाम। इतने नामों को सुन ये ना सोचना कि गलती इनकी थी। पापा ने घड़ी का पहरा तो लगाया ही था। माँ ने भी टोका था लड़कों संग घूमने पे। रायचंद चाचा को भी मेरी जीत से आपत्ति हुई थी। मैं ही अलहड़ जवानी के जोश में नहीं सुन। और सुशील, उस रात तुमने अच्छा ही किया, मुझे मेरी गलतियों की सजा दे दी। एक ही बार में समझा दिया, मेरे ख्याल, मेरी आजादी, मेरा जमीर तुम्हारी हैवानियत के सामने बहुत छोटे हैं। क्या हुआ जो मैंने मना कर दिया? तुमने तो जाना था कि लड़की की ना में भी हाँ होती है, और मैंने भी तो तुम्हारे लिए कई रास्ते खोल रखे थे। सुनसान सड़क पर अकेली निकल गई थी देर रात 10:30 बजे, और वो भी जींस में। तुम्हारी हैवानियत का जागना तो लाजमी ही था। मैं ना होती तो कोई और होता। 125 करोड़ की आबादी में, किसी सुनसान चौराहे पर, पड़ोसी के घर में, किसी ऑफिस कॉरिडोर में, किसी पार्किंग लॉट में, या फिर अपने ही आंगन में, मुश्किल नहीं है ढूंढना। लेकिन बहुत मुश्किल है शिष्टता के मुखौटे पहने नरिंदों को पहचान पाना। मेरी और तुम्हारी तरह ही दिखते हैं, इनका कोई उम्र, रंग, जात, मजहब नहीं होता। खुली आंखों के सामने छुपे रहते हैं, कानून के लंबे हाथ उन तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन हाँ, मेरे दामन से जरूर आ जाते। और पहुंचती है मुझ तक इंस्पेक्टर करमवीर के सवालों की लड़ी। क्या खाती हो, कहाँ जाती हो, किस किस के साथ नजर आती हो, पुराने संबंधों की जानकारी, चरित्र के सवालों पर कपड़ों की लंबाई भारी, लांछन पे लांछन लगा, निकलने से पहले ही मेरी आवाज दबा देने की तैयारी। कोई नहीं, चले शौचालय के
उस गोजगार के क्षेत्र में पीछे छोड़ा, कहा एआरसी का भरोसा टुल्लो को देते रहेंगे सहागा। स्नैपचैट सीईओ ने भारत को फिर कहा गवार गंदा। स्नैपडील सीईओ अस्पताल में दाखिल, कामनाथ ने की कड़ी निंदा। डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर इंडिया के तहत कानपुर में आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर इंडिया के तहत कानपुर पहुंचे, कमला पसंद खाके स्टेज पे नाचे, कनकुरिया बगल में थूके। आलोकनाथ ने किया किंगफिशर्स कैलेंडर का प्रमोशन, बुर्के में आई मॉडल्स, संस्कृत का हुआ प्रमोशन। प्रोड्यूसर से लड़ाई, सेट नेक्स्ट ने लिया एक नया रिवॉल्यूशन, अब एक साल तक नहीं दिखेगी चैनल पर सूर्यवंश। पतंजलि ने पेश की नए कृत्रिम गाय, अब थनों से निकलेगा दूध, कॉफी और चाय। दो साल बाद भी आईआईटी में गर्ल्स रिजर्वेशन हुआ बेकार, मैकेनिकल में हुई केवल 3 छात्राओं का दाखिला। अच्छे दिनों की है दरकार। स्वचालित ट्रकों का भारत में परीक्षण विफल, कई ट्रक पानी के गड्ढों में गिरे, कई के गए टायर निकल। संविधान में राइट टू एक्सप्रेशन में हुआ सुधार, अब मैं बनाना है सबका जन्मसिद्ध अधिकार। दिनचक पूजा ने लॉन्च किया अपना नया एल्बम, मेरा टावर सुपर पावर। 5,000 लोगों को हुआ कान का कैंसर। ब्रेकिंग न्यूज। स्विस बैंक के सीईओ ने कहा हम भारत की नागरिकता चाहना चाहते हैं, दिया भारत को काले धन वापस देने का वादा। पतंजलि हेडक्वार्टर में बाबा जी ने बाटी फूटी, रामदेव बाबा ने किया लुंगी डांस, कहा हर भारतीय के अकाउंट में 10,00,000 आने का है चांस। तो आप सबका शुक्रिया, हम कल मिलेंगे इसी समय कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पर तुम तो बस सास बहुओं की कहानियां सुनाओ। बस ये सिंपल सा बंदा है,